आज का जो आर्टिकल है वो ट्रैफिकिंग बिल से रिलेटेड है। ट्रैफिकिंग आप लोगों को पता होगा और हमने बताया भी है, इसको जीएस पेपर 2 में आप कोट कर सकते हो। जब भी किसी पॉलिसी की बात आएगी, जब भी किसी इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, जब भी गवर्नेंस की बात आएगी, लॉ की बात आएगी, मैकेनिज्म की बात आएगी कि किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, खास करके लेडीज, फीमेल और बच्चे, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें सेक्सुअल वायलेंस से। तो इसी पे आर्टिकल है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिल्ली में कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं जो न्यू ट्रैफिकिंग बिल जो आ रहा है ना, उस वर्जन मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, मतलब कि अभी पार्लियामेंट का जो सेशन आएगा उसमें न्यू ट्रैफिकिंग बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यही कॉन्टेक्स्ट है। थोड़ा बैकग्राउंड के डिटेल में हम बात करें तो ये सबसे पहले जो बिल आया था वो आप ईयर तो नहीं लिखा हुआ है, 2018 में आया था, सॉरी। तो ये 2018 में जो बिल आया था, उस बिल आने से पहले इसको कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स भी ये पूछ लेता है। तो इसको जो मिनिस्ट्री डील करती है उसका नाम है वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ट्रैफिकिंग के बिल को ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, मतलब यहीं से, इसी मिनिस्ट्री से सारी इंफॉर्मेशन आती है। 2018 में एक बिल आया था ट्रैफिकिंग को लेकर, जिसका नाम है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018, ये आया तो था बिल, बहुत जोर शोर से लोकसभा में पास भी हुआ, लेकिन राज्यसभा में जाते जाते लैप्स हो गया और ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर सरकार ने दूसरा बिल भी इंट्रोड्यूस किया और इस बिल का नाम है, 2021 में इंट्रोड्यूस किया, इस बिल का नाम है प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। इस बिल को ध्यान से सुनना, इसी के की प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है, इसके इश्यूज को पॉइंट आउट किया गया है, इसमें किस तरीके के सजेस्टिव अप्रोच की जरूरत है वो बताया गया है, ताकि जो नया बिल आए ना उसको जब फॉर्मुलेट किया जाए तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नए बिल को बनाया जाए। तो जो 2021 में बिल आया था जिसका नाम है प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2011, इसमें इसके कुछ की प्रोविजंस थे इस बिल के। पहला था कि ये देश के सभी सिटीजन्स पे लागू होगा। सभी सिटीजन्स का मतलब ये हुआ कि विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और खास करके जो स्टेटलेस पर्सन है या जो फॉरेन नेशंस के लोग आते हैं उन पे भी ये बिल उतना ही इम्प्लीमेंट होगा जितना नॉर्मल इंडियन लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा। ये पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन ये है कि इसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए जाएंगे ट्रैफिकिंग को लेते हुए, और जो क्रॉस बॉर्डर से जो आते हैं लोग, क्रॉस बॉर्डर का मतलब कि नेपाल से, बांग्लादेश से भी ट्रैफिकिंग किया जाता है, वहां से भी बच्चों को लाया जाता है, फीमेल को लाया जाता है, उन पे भी ये इम्प्लीमेंट होगा। तीसरा पॉइंट मैं ये समझा रहा हूँ कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब किसी को लाया जाता था ट्रैफिकिंग से, सपोज दैट कि प्लेस ए से प्लेस बी पे लाया जा रहा है, तो ये एजेंसी को प्रूफ करना पड़ता था कि इनको ट्रांसपोर्ट किया गया है प्लेस ए से प्लेस बी में, और जब तक ये प्रूफ नहीं होता था ट्रैफिकिंग का लॉ उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। इस चीज को भी खत्म कर दिया गया कि ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर बंदे को प्लेस ए से प्लेस बी पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, और ट्रांसपोर्ट करने का वैलिड प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये भी इसमें प्रोविजन में था। इसके बाद इसमें कौन कौन सा एक्सप्लॉयटेशन आता है उसको डिफाइन किया गया था, जिसमें पोर्नोग्राफी हो गया, जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जिसमें फोर्स लेबर हो गया, जिसमें ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने की भी बात की गई है, ये सारे ट्रैफिकिंग में आते थे। पांचवा प्रोविजन ये है कि पहले इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनको इस चीज से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, जैसे डिफेंस पर्सनल हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, इन सबको इस बिल से, मतलब ये लोग यदि किसी तरीके से वायलेट करें ट्रैफिकिंग में तो इनको छूट मिलती, तो इनको भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। अब जो क्रॉस बॉर्डर से जो बंदे आ रहे हैं, बांग्लादेश से या नेपाल से या किसी भी कंट्री से, म्यांमार से, श्रीलंका से, तो उसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नोडल सेंटर बनाया गया था ये चेक करने के लिए कि वो क्या सच में ट्रैफिकिंग वाले हैं, और यदि हैं तो उनके प्रॉपर कार्रवाई की जाए। पनिशमेंट की बात की जाए तो इस बिल को जो वायलेट करेगा, मतलब जो ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देगा, उसको मिनिमम 7 साल की सजा थी और मैक्सिमम 10 साल की सजा।
और इसके साथ साथ एक से ज्यादा बच्चे का जिसने ट्रैफिकिंग किया हो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी सजा थी और डेथ की भी सजा थी, कि मतलब कुछ केसेज में उनको डेथ भी दिया जा सकता है, हैंग कर दिया जा सकता है। उसके बाद का जो प्रोविजन है वो ये था कि उनपे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए जो है वो मान लो कि ट्रैफिकिंग से बहुत पैसा बनाया है और यही काम करते जा रहा है, उसका व्यवसाय यही है, पेशा वही है, तो उसकी जितनी संपत्ति होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो नेशनल लेवल पे नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी बनाई जाएगी जो काम करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी कि ऐसे ही कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाए और स्टेट लेवल पे भी बनाए। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग कम होगा, इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात कही गई है इससे एक डिटरेंस क्रिएट होगा, तो बंदे कम काम करेंगे, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सीरियस है इस चीज को लेकर। लेकिन इसमें इशूज क्या है? इशूज ये है कि जैसे फोर्स लेबर हो गया या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो इसके लिए तो अलग से ही एक कानून है। तो यदि मान लीजिए कि इसमें कोई पकड़ा जाता है फोर्स लेबर में, ट्रैफिकिंग के तहत या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, तो कौन सा कानून उस पर लागू किया जाएगा? वो ट्रैफिकिंग वाला कानून लागू किया जाएगा या फिर उसके लिए जो ऑलरेडी रूल है उसके तहत उनपे सजा होगी, ये क्लियर नहीं है। इसके बाद दूसरा इशू है कि रिहैबिलिटेशन के बारे में बात नहीं की गई है, कि विक्टिम सेंट्रिक है, मतलब जो जिन जिसने किया है उसको सजा तो दे रहे हो आप, लेकिन जिस जिसके साथ किया गया है उसको रिहैबिलिटेट करने का भी तो प्रोसेस होना चाहिए ना। वो कहाँ जाएगा बेचारा, उसको सोसाइटी में आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? उसको तो रिहैबिलिटेट करना चाहिए। तो इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात किया है राइटर ने, कि ये भी बनना चाहिए। लास्ट में सजेशन में इन्होंने ये बोला है कि देखो इस तरीके से बिल को बनाओ ना कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो सके और विक्टिम सेंटर्ड नहीं हो। विक्टिम सेंटर्ड का मतलब कि आप उसी को पनिशमेंट नहीं दे दें जो जिसके साथ ये बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जिसके साथ ट्रैफिकिंग की जा रही है, उसको भी रिहैबिलिटेट करने का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ डेटा दिया है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 10.6% के आसपास है, और महाराष्ट्र और तेलंगाना में सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं ट्रैफिकिंग को लेकर। 2020 का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट सुन लीजिएगा। ट्रैफिकिंग में 4709 ट्रैफिकिंग की गई थी, जिसमें 18 ईयर से कम जो बच्चे थे उसमें 2222 था, मतलब 2222 2222 बच्चे ही थे। और ये पैंडमिक आया है तो पैंडमिक की वजह से बहुत बहुत फैमिलीज वल्नरेबल हो गई है, वैसे लोगों को बहला फुसला के ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार को इस बिल में इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके से अमेंडमेंट करना चाहिए कि इन लोगों को बहला फुसला के नहीं फंसाया जा सके। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।